हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल सर्जन में स्वागत है। इस भीषण गर्मी में मैं आप लोग के लिए एक उषा पंखा का रिव्यू लेकर आया हूं, जिसका मॉडल स्विफ्ट है। ये 900 mm का पंखा है, जिसको इंच में कन्वर्ट किया जाए तो 36 इंच होता है, यानी 90 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स पे क्या क्या चीज दिया हुआ है। बॉक्स पे MRP दिया है 1690 रुपये, और इसका RPM यानी स्पीड 1 मिनट में 380 चक्कर लगाता है। जो घूमता है, रिजॉल्व करता है, वो 1 मिनट में 380 चक्कर को लगा लेता है। और ये नवंबर 2019 का बना हुआ है, और इसका जो वोल्ट है 220 से 240 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और यह मेड इन इंडिया का बना हुआ पंखा है। और इस पे एक कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये कस्टमर केयर नंबर कब काम आता है, मान लीजिए आपने फैन लिया और वह गारंटी में है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इस पे कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो आपको एक नंबर पे OTP जाएगा, तो आपके घर पर 24 घंटे में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, और तब वह आपसे OTP जान लेगा। तो इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, आज मैं इसका रिव्यू लाया हूँ, तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा कुछ बॉक्स पे मेंशन नहीं है। ये स्विफ्ट हाईएस्ट सीलिंग फैन इन इंडिया, ये वाइट कलर का है, और इसमें एक QR कोड दिया है जो ओरिजिनल की पहचान होती है, और यह कम वोल्टेज पे भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मान लीजिए कम वोल्टेज की लाइन आई है, फिर भी यह अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो सबसे पहले इसका मोटर देखते हैं, उसके बाद फिर इसका ब्लेड देखेंगे कि ब्लेड कैसा है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज इसमें है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये एक डाउन राड है, जो 9 इंची का डाउन राड है, काफी खूबसूरत पेंटिंग है। इस पे आप लोगों को इसको निकाल के दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिए, काफी प्यारी है, क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी की हुई है। तो और देखते हैं क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है। ये है कैप, देख लीजिए आप लोग, बहुत प्यारा कैप है, देख लीजिए साइन कर रहे हैं, ये देखिए, ये ऊपर वाला साइड है। अब देखिए, अब उषा आपको सीधा दिखेगा, कैमरे में उल्टा दिखेगा लेकिन सही अब सीधा दिखेगा, और ये नीचे वाला है। चलिए और देखते हैं क्या क्या चीज दिया है इसमें। एक एक क्लैंप दिया हुआ है, जो डाउन राड से रख के नीचे पेंट को टांगता है। तो और ये रहा आपका फाइनल मोटर, देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। ये देखिए, एक गारंटी कार्ड है इसमें, ये गारंटी कार्ड है, आप लोग देख लीजिए। और टोल फ्री नंबर मैंने आपको दिखा दिया है, जब कोई कमी होगा तो ये आपको रखना जरूरी है। आप इसको सेफ रखने के लिए जानते हैं क्या कर सकते हैं, जब ये फैन लगाएं तो इसी के बीच में ऐसे किसी पॉलीथीन में करके ऐसे लटका दें, तो इससे गायब नहीं होगा, जब भी खराब होगा, जब खुलेगा तब ये आपको मिल जाएगा। चलिए आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाते हैं। इस पे कंडेंसर दिया हुआ है, देख लीजिए कैपेसिटर, इसको कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों के नाम से जाना जाता है, जो 2.5 FOD का कंडेंसर है। और इस पे QR कोड दिया है और सीरियल नंबर दिया है, जब खराब होता है तो ये सीरियल नंबर मस्ट होता है, वो इसी को देखते हैं। अब इसका लुक दिखा देते हैं आप लोगों को, कितना प्यारा लुक है, देख लीजिए। आप इसको मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन अमेजॉन से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, क्योंकि प्राइस ऑनलाइन और ऑफलाइन इसका सेम ही है। इसमें नेट भी देख लीजिए आप, काफी प्यारा दिया हुआ है। तो चलिए मोटर को रखते हैं और अब देखते हैं ब्लेड कैसा है इसका। ये देख लीजिए ब्लेड की पैकिंग, व्हाइट कलर के, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। ये देख लीजिए स्पीड भी इस पे लिखी हुई है 380 RPM, यानी 1 मिनट में 380 चक्कर लगा जाएगा, यानी काफी अच्छी है, हाईएस्ट स्पीड है। इसको आप अपने केबिन में लगा सकते हैं या फिर किचन में लगा सकते हैं, जो एरिया कम होता है वहां पे ये लगाना बेस्ट होता है, और भी छोटा एरिया होता है तो वहां पे 24 इंची यानी 600 mm का पंखा आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका केबिन है या फिर थोड़ा आपका 10x10 का किचन है तो वहां पे ये मतलब अच्छा मान हो सकता है आपके लिए। ये देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए डिजाइन बहुत प्यारा है, काफी सॉलिड है, ये देख लीजिए।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के लिए, तब तक।